बीते दिन जयपाल भुल्लर का कलकत्ता में एनकाउंटर किया गया, जिस तो बाद परिवार ने जयपाल का अंतम संस्कार करने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने शंका थी कि जयपाल के नाल पुलिस ने पहला कुटमार की है, इसलिए दोबारा वो पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, पर जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम करवाने लैके इनकार कर दिया। इस तो बाद परिवार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, पर हाईकोर्ट ने भी उन्होंने इनकार कर दिया। इस तो बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया और सुप्रीम कोर्ट के वालों जयपाल दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के संबंधी हुक्म जारी कर दिए गए हैं और कल चंडीगढ़ PI के जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस मौके पत्रकारों के साथ गलबात करते हैं जयपाल के पिता भुपिंदर सिंह ने कहा कि वह मीडिया से सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बदौलत ही अब जयपाल का पोस्टमार्टम हो रहा है और उन्होंने इंसाफ मिल रहा है। असीं 10 बजे तो पहला डेड बॉडी जी PGI चंडीगढ़ पहुँचावे, पोस्टमार्टम करावे। नहीं वो कोई मैटर नहीं है भी कोलकाता ना मैच हुंदा जा नहीं हुंदा, उन्हां सानू रिपोर्ट नहीं सी दित्ती मंगण दे, सानू पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सी दित्ती ते उहदे करके होया। जे मैच हुंदा ते फिर भी वो नहीं कोई गल, जे एनकाउंटर ते उन्हां फड़ के ते मुंडिआं नूं ते इंटरोगेट करके ते कतल ही किया इन्हों का। हाईकोर्ट का मंगवा सकती है? हाँ जी मंगवा सकती है। कल सवेरे कितने बजे निकलूंगी जी? सवेरे असी 3 बजे निकला जी तड़के। कोई जिला प्रशासन मतलब घर का तालमेल किया गया? हाँ जी किया गया, नायब तहसीलदार सरदार गुरतेज सिंह आए थी तो उन्होंने कहा भी असी तुहानू सिक्योरिटी भी नाल भेजांगे तुहाडे ते ये लदौन च भी तुहाडी किन्नी हेल्प हो सकी जी। कल पोस्टमार्टम जो हो गया तो फिर परसों ही अंतिम संस्कार करा गे। नहीं जी हड्डियां तो टुटिया ही नहीं तो आनिया ही नहीं, कार्रवाई तो होगी जी, जिहड़ा उन्हें फेक इनकाउंटर किया फड़ के इन्हों मारिया कार्रवाई तो होगी जी। रणनीति की होगी? रणनीति कुछ भी नहीं जी, यो ही इंसाफ ही मंगांगे कोर्ट को कि जिन्हें कतल किया उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। सर बहुत थैंक यू।